मामले कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे खुशहाल होंगे। तो आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ यहाँ आप सबके लिए। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपकी जिनसे शादी होगी वहाँ उनकी फैमिली कैसी होगी। ओके, तो उनका बिहेवियर आपके लिए कैसा रहेगा, वो कौन है जिनसे आपकी शादी होगी बेसिकली। ओके, सो इफ़ यू आर न्यू हियर देन सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर कीजिएगा वीडियो को और या लाइक कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट कि आपकी किन से शादी होगी, कैसी होगी उनकी फैमिली। ओके, तो प्लीज एंजल स्टाइल में मेरे व्यूवर्स की जिनसे शादी होगी उनकी फैमिली कैसी होगी, मेरे व्यूवर्स की जिनसे शादी होगी या मैरिड लाइफ कैसी रहेगी मेरे व्यूवर्स की, उसी से हम ये देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी। ओके, तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, फैमिली का भी उसी से निकल के आ जाएगा, किससे होगी, कैसी होगी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। एंजल्स टेल मी, शिवाम नमस्कार, कैसी होगी। ओके, द स्टार कार्ड इज हियर। मैं हंस रही हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगी इसका रीजन क्यों हंसी आई मुझे। प्लीज एंजल्स टेल मी मेरे व्यूवर्स की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, व्हाई दिस एट ऑफ कप्स कार्ड इज हियर मॉम, क्लेरिफाई दिस प्लीज एंजल्स टेल मी कि ये एट ऑफ कप्स कार्ड यहाँ क्यों है। The chariot. किनसे कैसी होगी मेरी व्यूअर्स की मैरिड लाइफ। ओके, नाउ आई गॉट इट। आपके पर्सन को सॉन्ग बहुत पसंद हो सकते हैं। इफ़ यू आर फीमेल हियर तो आपके लिए मुझे एक सॉन्ग सजेस्ट हो रहा है, हम अपनी दुल्हनियाँ ले जाएंगे डोले में बिठा कर ले जाएंगे, ऐसा सॉन्ग है कोई तो। यस, मैं बहुत बुरा गाती हूँ, इंट्यूशन बोल रही कि सिंग करो, ऐसा सॉन्ग है, हम अपनी दुल्हनियाँ ले जाएंगे डोली में बिठा कर ले जाएंगे, ऐसा कोई सॉन्ग है जो आपके लिए वो गाना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी प्लीज एंजल्स गाइड मी कैसी होगी वीवर्स की। तो आपके लिए सॉन्ग गाएंगे वो हमेशा, ये पर्सन पहले बात तो ठीक है। ओके, या द टावर कार्ड इज हियर आल्सो, वन मोर कार्ड एंजल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, वेट अ मिनट, हिज द ओके ओके, अब आपको विजिबल होंगे सारे कार्ड्स आई थिंक, या नाउ इट्स विजिबल टू यू। ओके, कैसी होगी मेरी लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन आपसे चाहे मेल हो फीमेल हो बहुत प्यार करेंगे। वेट अ मिनट, देखिए आपको हमेशा देखना, आप क्या कर रहे हो, मीन्स आपको काम करते हुए चुपके चुपके से देखना, ये भी हो सकता है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स इमोशन से भरा हुआ बहुत ही रोमांटिक बहुत ही केयरिंग पर्सन होता है, एट द सेम टाइम मैच्योर, बट जो इमोशंस हैं अपने पर्सन के लिए वो किसी और के साथ शेयर नहीं करता। उस पर्सन के लिए जो इमोशंस है सिर्फ उसी के लिए रहते हैं और किसी के लिए नहीं रहते। आपकी तरफ टू मच अट्रैक्टेड होंगे क्योंकि मैंने विश फुलफिलमेंट द स्टार कार्ड देखा है, ठीक है। आपके पर्सन क्या ही बोलूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे आज से पहले इस कार्ड की तरफ इतना अट्रैक्शन फील नहीं हुआ है।
तो आपके पर्सन को भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होने वाला है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होने वाले हैं आपसे, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपको फील होगा आपके पर्सन के प्रति या उनको आपके प्रति। आप एक बार जब उनसे इमोशनली अटैच्ड हो जाओगे ना, तो आप सोचोगे अरे मैं तो इनसे ना ऐसे बंध गई हूँ, ऐसे जुड़ गई हूँ, एक जिस्म हो गया और दो जान, ऐसा कुछ। ठीक है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके पर्सन को आपसे प्यार हो सकता है, इतना कि वो लफ्ज़ों में जाहिर ना कर पाए। कई बार तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए और आपको सीधा बोल दें। कई बार मुझे ऐसा लगता है वो रोने भी लग जाए कि थैंक यू कि आप मेरी ज़िंदगी में आए हो, एंड इट्स रियली वेरी स्वीट। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये जान के। ठीक है, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड। इफ़ यू वांट, अगर यहाँ पे आप फीमेल देख रहे हैं और आप चाहते हो कि आप शादी के बाद भी अपना बिजनेस करें, शादी के बाद भी जॉब करें, शादी के बाद पढ़ें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली जो होते हैं, जो मदर इन लॉ जो है, फादर इन लॉ, या फिर आपके जो इन लॉज हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे इसके लिए। ये नहीं है कि मना कर देंगे कि नहीं भाई, हमारे यहाँ लड़की को पढ़ाने का रिवाज वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है फुल सपोर्ट आपको देंगे, फुल सपोर्ट देंगे ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके फैमिली में आप जब शुरू में जाएंगे ना, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कई बार आपको अपनी फैमिली की याद आ सकती है, कई बार आपको रोना आ सकता है कि आई डोंट नो व्हाई, लेकिन यस, वो पर्सन हमेशा कभी भी आपका दिल तोड़ेंगे नहीं, कभी भी नहीं तोड़ेंगे पर्सन जो आपके पर्सन होंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्यों नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि वो इस फेज से वो खुद निकल के आए हैं। उन्होंने जो ये दिल जो उनका भी टूटा है, इसलिए उनको पता है कि ये पेन होता क्या है, इसीलिए वो कभी भी आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, हमेशा ये कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि आपका दिल ना टूटे। ठीक है, यस, ऐसा हो सकता है कई दफ़ा आपकी बातें, उनकी बातें आपको चुभ सकती हैं, पता नहीं, लेकिन यहाँ पे सबके लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के लाइफ एक्सपीरियंसेस थोड़े से अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के विचार यहाँ पे कम मिले। ठीक है, एक बंदा बहुत ओवर इमोशनल हो और एक बंदा हो सकता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी मैच करने की ज़रूरत है कि कौन सी एनर्जी आपसे मैच हो रही है। ओके, तो यस, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाइज थोड़ा सा डिफरेंस हो, या फिर कोई और डिफरेंस जो आपको लगे कि अरे ये तो अच्छा नहीं है ये, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा सुंदर है दिखने में, एक पर्सन बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा सुंदर नहीं है दिखने में, तो उसको लगे कि जो दूसरा पर्सन है उसको अजीब फील हो, उसको लगे कि अरे मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, खुद में इनसिक्योरिटी फील हो, लेकिन वो जो दूसरा पर्सन है वो उससे फील नहीं होने देगा, वो आपको लगेगा क्या है कि भाई अरे ये हो रहा है, या फिर मुझे ऐसा लगता है आपकी साइड से लग रहा है कि आपके पर्सन जो है इतने ज़्यादा अगर सुंदर नहीं हुए तो आपको लगेगा अरे देखो ये इतने सुंदर नहीं है, आपके मन में ये रहेगा, लेकिन विद द टाइम जब आप उनके साथ चलोगे ना, तो आपको इनसे ज़्यादा सुंदर, इनसे ज़्यादा केयरिंग, इनसे ज़्यादा हम्बल पर्सन नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आप सोचोगे रंग रूप में क्या रखा है, रंग रूप में क्या रखा है, बहुत कम लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है कि उनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाइज, या फिर कलर कॉम्प्लेक्स वगैरह, या फिर कोई भी डिफरेंस जो आप नहीं चाहते कि ऐसा आपने सोचा ना हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, ऐसा हो सकता है, तो आपके पर्सन, देखो मैं हंसी क्यों थी शुरुआत में, वो इसीलिए, देखो यहाँ पे है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पे है स्टार कार्ड, और मुझे पता है जब ये कार्ड आया मुझे क्या दिखा कि जैसे ये हस्बैंड है या फिर या कह लो वाइफ है, तो जब ये इस पर्सन को देख रहे हैं अपने वाइफ को या हस्बैंड को, तो इनको इनको खुशी मिल रही है, इनको इनको ये लग रहा है कि अरे मुझे दुनिया की, मेरी विश पूरी हो गई, मेरी दुनिया की जो सबसे कीमती चीज़ है वो मुझे मिल गई है। तो आपको पाना उनकी एक विश होगी, आपको पाना उनके लिए कहते हैं ना कि एक दुआ कबूल हो जाना, ऐसा कबूल हो जाना, ऐसा कुछ है। ठीक है, आपको इमोशन देख के उनको रहा नहीं जाएगा हमेशा, आपको कोई गलत बोलते ये भी उनसे सहा नहीं जाएगा। ओवरऑल थोड़ा सा फैमिली का मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है, कि जिसकी वजह से आप दोनों में थोड़े बहुत अनबन रहे, लेकिन यस, ऐसा भी हो सकता है कि बाद में आप सेपरेटेड हो जाएं। ठीक है, हो सकता है कि आप उनके अपने मदर इन लॉ से कहीं और बाहर शिफ्ट कर जाएं, दूसरी जगह उनके उनके उनको
जो उनकी प्लेस पे छोड़ के, ठीक है, और कहीं जगह आप रहने लग जाएं, सब भी हो सकता है फॉर सम, ठीक है। और इसी वजह से, शायद फैमिली की वजह से आपको कई बार परेशानी हो, लेकिन आपके पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा एक चैरियट, एक योद्धा की तरह आपके साथ रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कई बार ऐसा हो सकता है कि उन्हें आप में से और अपनी फैमिली में से, आप में से, अपने वर्क में से किसी को चुनना पड़े, तो हमेशा वो, है ना, आपको प्रायोरिटी देंगे, आपको प्रायोरिटी में रखेंगे और उसके बाद वो काम संभालेंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। या मुझे बार बार ये किंग ऑफ कप्स अट्रैक्ट कर रहा है, तो यस, वो पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग रहेंगे आपके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ रहने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा है, जैसे कि उनकी फैमिली हो गई, या कई दफ़ा आपको कोई बात बुरी लग सकती है, तो थोड़ा बहुत इशू तो हर चीज़ में होता है भैया, ये तो है ही, लेकिन कहते हैं ना, जितनी लड़ाई, जितने झगड़े, उतना ही मजबूत रिश्ता होता है। हम गुस्सा भी तो उन पे करते हैं ना जिनसे हमें प्यार होता है। सो लेट्स सी एंजल्स, प्लीज़ टेल मी, क्या आप गाइडेंस देना चाहते हो, एडिशनल मैसेज क्या देना चाहते हो आप। ओके, विजडम, तो बहुत ज़्यादा विजडम होगी आपके पर्सन में, बहुत ज़्यादा विजडम होगी, लोग उनसे सलाह लेते होंगे, लोग उनसे जो है हर एक चीज़ के लिए पूछते होंगे कि ये चीज़ हमें कैसे करनी चाहिए। इनफैक्ट बहुत प्यारे होंगे और पीसफुल, स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, मेडिटेट करना पसंद हो, पीस उन्हें पसंद हो, इनफैक्ट आपकी लाइफ में पीस आ सकता है उनके आने से, ठीक है। आपकी लाइफ जस्ट अनस्टेबल हो गई हो, अगर है नहीं, अगर स्टेबल, तो उनके आने से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। या ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो वही बात है, देखो कई एक जगह मैंने बोला भी था कि आपको लगे अरे मैं इतनी सही नहीं हूँ, तो आप हो ना, वो जब अपने आप को, जब वो आपकी तारीफ़ किया करेंगे ना, तो आपको लगेगा अरे मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, आपकी जो सेल्फ स्टीम इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इनसे मिलने के बाद। एंड या उनको आपकी जो है आपका शेप स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पसंद होगी आपकी बॉडी की, ठीक है। या आपके हेयर उनको प्यारे होंगे बहुत। सो यस, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए और क्या है ऐसा जो उनकी तरफ से आपको जानने की ज़रूरत है, मीन्स मैं उनके मैसेज यहाँ पे लूँगी कि आपके पर्सन आपको कहेंगे क्या, कहना क्या चाहते हैं आपके पर्सन आपको, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से मैसेज हैं कि वो आपको क्या बोला करेंगे, क्या ऐसा कहेंगे जो आपको, जो उनको पसंद होगा। आई एम रेडी माई जान फॉर फ्रेश स्टार्ट विद यू। अगर आप में कभी झगड़ा होगा, कभी लड़ाइयाँ होंगी, तो वो हमेशा फ्रेश स्टार्ट के लिए रहेंगे रेडी, हमेशा वो उस फ्रेश स्टार्ट के लिए, हमेशा एक नई शुरुआत के लिए आपके सामने आएंगे। इट्स रियली वॉज मी नॉट यू। या हमेशा अगर उनसे कभी भी गलती होगी, वो हमेशा सॉरी बोलेंगे, वो हमेशा बोलेंगे कि हाँ मैं मानता हूँ वो मैं ही था जिसने गलती की, मैं ही थी जिसने गलती की, आपने कोई गलती नहीं की है, मुझे माफ़ कर दो। एंड दिस इज़ द लास्ट मैसेज, यू लुक एट मी वॉन्स विद लव, आई वेट फॉर दिस डे एवरी डे, बट एज सुन एज आई कम इन फ्रंट ऑफ यू माई हार्ट स्टार्ट रेसिंग फास्ट, आई गॉट नर्वस, आई कैन नॉट से एनीथिंग। तो यस, ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आई विश यू कुड बी माइन, ओ माई गॉड, दिस इज़ द डबल कन्फर्मेशन कि आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। इन दिस लाइफ टाइम आई वुड टेल यू माई हार्ट कंडीशन इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड, आई वुड हग यू एंड वर्क होल्डिंग योर हैंड ऑल माई लाइफ टाइम। ओ माई गॉड, पूरी ज़िंदगी चलने का वादा कर रखा है। हाँ, तो यस, और देख लेते हैं एक एंजल्स आपके रिश्ते के लिए क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे। एंड शून्य, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपकी इनसे होगी, पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा आपके हस्बैंड से आपका, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। Free yourself. It's time to take back control of your life. Okay, romantic feeling. Yeah, your feelings are real and worth exploring.
रोमांटिक फीलिंग, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स होंगी आपके लिए. सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग, इट्स रियली वेरी गुड. या सो लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, ओके.